प्रवीण जी और साथ में मेजर जनरल साहब, जिनकी आवाज पूरे पंडाल में गूंज उठी चुकी थी, वैश्य महासम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष पाटोदिया जी, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष जी, कहाँ है सुभाष जी, हैं? ओके सुभाष जी, और प्रमुख समाज सेवी श्री आर सी गुप्ता जी, महावीर जी, धर्म रक्षक के हेमलता जी, कविता जी अभी थी यहीं, और आशा जी, और समस्त पदाधिकारी हमारी मातृशक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। यहाँ शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण और सरस्वती के रूप में आप लोग सब यहाँ बैठी हो, मैं आप सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। और कोशिश मेरी यही है कि इसमें जान फूंकी जाए, क्योंकि आज आपको देश के अंदर जो रोल अदा करना होगा, उस रोल की तैयारी आप कर लें। मैं धन्यवाद सबसे पहले और आभार सबसे पहले धर्म रक्षा समिति को देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये कार्यक्रम बनाया और इतने प्यार से मुझे भी यहाँ बुलाया। चौहान साहब के दर्शन बहुत दिनों बाद यहाँ मुझे करने को भी मिल रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके दर्शन, जो मेरे बहन के रूप में, माँ के रूप में, साथी के रूप में, सहयोगी के रूप में यहाँ हैं, उन सब के दर्शन करने का मुझे ये मौका मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई है कि आप लोग जो ये जो बड़ी संस्था बनाई है आप लोगों ने, और जो इस संस्था के द्वारा आप हमारे संस्कृति और सनातन का संरक्षण करने का काम जो आप लोग मिलकर कर रहे हो, और जो ये जागृति सबके बीच में फैलाने का काम आप कर रहे हो, ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर काम है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ, और हम सबकी ओर से चाहती हूँ। आज वो दृश्य देखने को मिला माँ भारती का, और इन सब बच्चों को देखने को मिला जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में नृत्य नाटक इसके द्वारा अपनी प्रस्तुति की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पौराणिक काल से जब अपन देखते हैं, जब भी देश के अंदर अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ गया, तब देवी की प्रार्थना हुआ करती थी, देवी माँ की हम लोग हाथ जोड़ करके नमन करते थे, और वो देवी थी जो उतर करके उन राक्षसों का, उन बदमाशों का वध करने का काम करते थे। उन्होंने देवताओं को भी बचाने का काम अपने समय में किया था, और महिषासुर मर्दनी की तो नौ दुर्गों के अंदर कहानी आप लोगों को, पाठ आप लोगों को करने को मिलता भी है। उसमें बताया जाता है कि राक्षस को का वध करने के लिए माँ जमीन पे आई, और उसने उस राक्षस का अंत किया। मैंने